चलिए बढ़ते आगे रुख कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बीजेपी ने दिल्ली चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी बना दिए हैं। बैजवंत पांडा प्रभारी और अतुल गर्ग को सह प्रभारी बनाया गया है। तो बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी अब तैयारियां तेज करती हुई नजर आ रही है। बैजवंत पांडा प्रभारी और अतुल गर्ग सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं और ऐसे में वैजयंत पांडा प्रभारी बनाए गए हैं, अतुल गर्ग सह प्रभारी बनाए गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि इस दौरान प्रभारी और सह प्रभारी बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी बनाए हैं। वैजयंत पांडा प्रभारी बनाए गए हैं, अतुल गर्ग को सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर के अब बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि अगले साल फरवरी में लगभग चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोनलाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप जी, निश्चित तौर पर अगले साल फरवरी में शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं। अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है इस लिहाज से भी, क्योंकि चुनावी टाइमिंग और इसलिए दिल्ली में जो चुनावी तैयारियां चल रही हैं उसके संचालन के लिए यहाँ पर बीजेपी की ओर से संगठन में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें चुनाव के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। तो इसमें राज्य चुनाव अधिकारी, सह चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा यहाँ पर की गई है। इसमें डॉक्टर के लक्ष्मण वो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नरेश बंसल को बनाया गया है। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी रहेंगी। संबित पात्रा राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा इससे पहले भी आज कई नियुक्तियां हुई हैं, क्योंकि अगर देखें तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बजा है और ऐसे में यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं जोनल वाइज, तो चुनावी तैयारी को लेकर दोनों पार्टियां धार दे रही हैं और इसमें जो राज्यों के चुनाव हैं उसके मद्देनजर भी और जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है जिन राज्यों में, उससे पहले ही नियुक्तियां की जा रही हैं ताकि एक संगठन को मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि संगठन को एक चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बीजेपी इसमें अव्वल रही है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां आज उन्होंने की हैं और इसके मद्देनजर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें, उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए जोनल वाइज ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं ताकि चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर न रह जाए। तो दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर न सिर्फ संगठनात्मक जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के मद्देनजर, बल्कि जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव दिल्ली के लिए उस पर भी नजरें हैं और इसलिए कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां आज की गई हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।